व्यूअर्स मैं हूं हैदर खत्री और आप देख रहे हैं हैदर खत्री वी लॉग और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फ्रांस जी तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कर, आप जो है किस तरह से फ्रांस माइग्रेट कर सकते हैं अगर विजिट वीजे पर आना है तो क्या प्रोसेस है अगर आप नॉर्मल लेबर हैं तो आपको यहाँ क्या सैलरी मिलेगी अगर स्किल वर्कर हैं तो क्या सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप पढ़े लिखे हैं किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपको कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी फ्रांस जो है किन चीज़ों की वजह से मशहूर है यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी यूज होती है करेंसी जो है यहाँ पर क्या यूज होती है और जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स जो है यहाँ कितना आपको पे करना पड़ सकता है मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है फ्रांस के अंदर आपको क्या पड़ेगी जी तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल के अंदर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके में हम बात कर लेते हैं कि जी फ्रांस जो है किन चीजों की वजह से जो है मशहूर है ये चीजें आपने हो सकता है सुनी हो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुनी हो दुनिया के साथ में सातवे से अजूबे में से एक अजूबा जो है यहाँ पर है एफिल टावर इसके बारे में मशहूर है कि ये जो है समर टाइम के अंदर जो है बड़ा हो जाता है भगूती जो है यहाँ की एक मशहूर ब्रेड है जिसका साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है यानी कि पचपन से लेकर सिक्सटी फाइव जो है सेंटीमीटर जो है इसका दबरोटी का साइज़ होता है स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो यूएसए के अंदर है वो जो है ओरिजिनेट करती है फ्रांस से दुनिया में सबसे ज़्यादा किले जो है आपको फ्रांस के अंदर मिलेंगे फ्रांस के अंदर आपको चीज़ जो है तकरीबन सोलह सौ सो के अंदर मिल सकती है पेरिस का निक नेम जो है सिटी ऑफ लाइट भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है सबसे पहले जो है फ्रांस ने जो है ईजाद किया था फ्रांस का जो एक बादशाह था जिसका नाम लुइस है वो सिर्फ और सिर्फ बीस मिनट के लिए जो है बादशाह बना फ्रांस के अंदर एक म्यूजियम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है विजिट किया जाता है फ्रांस ने जो है हॉट एयर बेलून जो है ईजाद किया था इसके साथ जो है पेंसिल शार्पनर भी जो, इच्छा इच्छा जो, जो, जो है फ्रांस की ही ईजाद है फ्रांस जो है 1.7 मिलियन टन जो है चीज़ जो है प्रोड्यूस करता है एक हैरान हैरानक चीज है जी डबल रोटी का उल्टा हिस्सा अगर ऊपर कर दिया जाए तो फ्रांस के अंदर अनलकी समझा जाता है फ्रांस जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है मशहूर टूरिस्ट प्लेस है जी तो दोस्तों अगर आप जो है माइग्रेट करते हैं फ्रांस की तरफ और अगर आप जनरल लेबर हैं तो यहां पर जो है आपकी सैलरी तकरीबन 1400 यूरो से लेकर जो है 1800 यूरो तक जो है आपकी इनकम यहां पर हो सकती है अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो 1600 यूरो से लेकर 2200 यूरो तक जो है यहाँ पर आप कमा सकते हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं ऑफिस के अंदर कोई जॉब करते हैं तो तकरीबन 2500 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है इसके बाद जो है जन, मैनेजर जनरल एब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जो है आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है सैलरी के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू आपको पता है कि यूरोप के अंदर जितनी भी आपकी इनकम होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो कितना है वो भी देख लेते हैं जी तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी जो है दस हज़ार दो सौ छब्बीस यूरो से लेकर छब्बीस हजार सत्तर यूरो तक जो है सालाना पहुंच जाती है तो यहाँ पर आपको जो है ग्यारह परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आपकी सैलरी छब्बीस हजार सत्तर से लेकर चौहत्तर हजार चार सौ पैंतालीस यूरो तक सालाना पहुंच जाती है तो तीस परसेंट यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी सैलरी चौहत्तर हजार यूरो तक पहुंच जाती है, तो 45 परसेंट आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी सैलरी एक लाख साठ हजार तीन सौ छत्तीस यूरो से अब होती है साल के अंदर तो 45 परसेंट जो है गवर्नमेंट को टैक्स यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा जी तो दोस्तों फ्रांस के अंदर जो है यूरो यूज होते हैं फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज जो है फ़्रेंच है जो यहाँ पर बोली जाती है इनकम के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर चाहे आप जो है फैमिली के साथ यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको जो है तकरीबन 2500 से जो है 2800 यूरो तक जो है आपका महाना यहाँ पर ख़र्चा हो सकता है अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं तो तकरीबन आपको जो है 600 से लेकर आपका जो है 900 यूरो तक यहाँ पर ख़र्चा हो सकता है रेस्टोरेंट की अगर बात कर लें तो भाई अगर आप किसी नॉर्मल कैफेटेरिया में खाना खाते हैं तो पंद्रह यूरो तक जो है आपको मील पड़ेगी अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में दो बंदे बैठकर अगर खाना खाते हैं तो पचास से लेकर साठ यूरो तक का जो है आपको बिल आ सकता है अगर आप मैकडोनल्ड केफ वगैरह यूज़ करते हैं तो भाई पंद्रह यूरो तक जो है आपको मील पड़ सकती है अच्छा ग्रोसरीज की अगर बात कर लें तो भाई मिल्क जो यहाँ पर 1.15 यूरो पर लीटर है राइस की अगर बात कर लें तो भाई 2.20 पर केजी आपको यहाँ पर राइस मिलेंगे फ्रूट्स की अगर बात कर लें तो भाई 2.80 पॉइंट एट जीरो पर के जी यहाँ पर एप्पल है इसी तरह दो टू केजी यहाँ पर बनाना आपको मिल जाएंगे ट्रांसपोर्ट की भाई अगर बात कर लें तो 1.8 यूरो जो है पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको वन वे टिकट मिलेगी अगर आप मंथली पास बनवाते हैं तो 60 यूरो के अंदर जो है आपको मंथली पास आपका बन सकता है टैक्सी में अगर आपने सफर करना है तो तीन जो है पर किलोमीटर का टैरिफ है यूटिलिटीज की अगर बात कर लें तो भाई बिजली गैस पानी और जो है गार्बेज का बिल जो है आपको हंड्रेड से लेकर टू यूरो पर मंथ जो है आपको यहाँ पर पड़ेगा अगर मोबाइल डेटा की बात कर लें तो भाई तकरीबन 20 से जो है 25 यूरो तक जो है आपको 10 जी के साथ डेटा यहां पर आपको मिल जाएगा अगर होम इंटरनेट आप लगवाते हैं तो तकरीबन 30 यूरो मंथली जो है आपको यहाँ पर पड़ सकता है अच्छा जी हाउस रेंट की अगर बात कर लें तो वन बी के अपार्टमेंट जो है आपको तकरीबन जो है 700 से लेकर 800 यूरो तक यहाँ पर मिलेगा अगर जो है आउटसाइड सिटी अगर जाते हैं तो 500 से 600 यूरो के अंदर भी आपको वन बी मिल सकता है अगर थ्री बी की बात करें तो भाई तेरह से लेकर पंद्रह यूरो के अंदर जो है आपको यहाँ पर थ्री बी अपार्टमेंट मिल सकता है जिस तो दोस्तों तमाम भाइयों के जो सवाल होते हैं कि भाई यहाँ का वीज़ा किस तरह लिया जाए वर्क परमिट जो है किस तरह से हासिल किया जाए अगर भाई आपने जो है अगर यहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर आना है तो मेरे भाई सबसे आसान हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप जॉब तलाश कीजिए आपके कोई जानने वाला है जानने वाला अगर नहीं है तो भाई आप गूगल के ऊपर जाइए लिंकड है इंडिड है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ वहाँ जाकर अपनी सीवीज़ वगैरह ड्रॉप कीजिए आपको मालूम है कि भाई आप हालात तो जो है आजकल कोविड के बाद हर जगह जो है थोड़ी मुश्किल ही है लेकिन आप ट्राई करते रहिए जब आपको कोई इस्पॉन्सर मिल जाएगा तो फिर जो है आपका इंटरव्यू होगा इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको ऑफ़र लेटर देगा उसके बाद गवर्नमेंट से वहाँ अप्रूवल लेनी होती है वो अप्रूवल जब आपके पास आ जाएगी तो आपका वर्क परमिट निकल आएगा वर्क परमिट ऑफ़र लेटर जो है आपके पास आ जाता है उसके बाद आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेती लेनी होती है है। उसके बाद वहां पर जो है अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होते हैं पुलिस रिपोर्ट है बैंक स्टेटमेंट है मेडिकल है और जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है वो है आपका ऑफर लेटर है उसके बाद जो है आपका वर्क परमिट है अपॉइंटमेंट के दौरान आपको जो है यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा फिर उसके बाद ऑफिसर ने डिसाइड करना है कि आपको वीजा दिया जाए या नहीं दिया जाए दूसरे नंबर पे भाई विज़िट वीज़ा होता है विजिट वीज़े के लिए जो है उसके लिए आपको वी एफ एस से अपॉइंटमेंट लेनी होती है भाई जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद जो है आप तमाम डॉक्यूमेंट यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा आपका कंपनी का एन ओ सी चाहिए होगा रिटर्न टिकट चाहिए होता है होटल बुकिंग चाहिए होता है और जो है ट्रेवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है कवर लेटर बना के ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं फिर उसके बाद ऑफिसर जो है डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए हॉप गाइज़ आप आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो तमाम भाइयों से गुजारिश है एक बार फिर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कोई भी आपके सवाल आते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर जो है पूछ सकते हैं दीजिए हदर को इजाज़त अल्लाह हाफिज़ टेक केयर